சிவாய போற்றியே நமன் சிவாய போற்றியே பிறப்பதுக்கும் ஏகனே பொறுத்தருள் அநேகனே பரம்பொருள் நாமத்தை கரங்குவித்து பாடினோம் இறப்பிலே உன் கால்களை சிறங்குவித்து தேடினோம் So, hello beautiful people, welcome back to the brand new episodes of GRN blog. तो आज का ब्लॉग में हम लोग एक टेंपल जा रहे हैं, महाकाल का टेंपल, भोले बाबा का टेंपल। वो एक माउंटेन के ऊपर है और वहाँ से पूरा एरिया का व्यू मिलता है। तो हम लोग चलते हैं उस मंदिर पे और देखते हैं वहाँ का 360 व्यू और भगवान जी को थोड़ा पैर छू के नमन करते हैं और उनसे दुआ मांगते हैं कि हम सब स्वस्थ और हेल्थी रहें, ठीक है, क्योंकि उससे बड़ा धन जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। तो अब मिलते हैं सीधा बाइक पे। सो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं महाकाल के नाम से। जय शिव शंभु, जय सूर्य देवता, हम सब पे अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें। तो आप सभी को पता है कि नहीं, हमारे प्यारे भोले बाबा का टोटल 14 ज्योतिर्लिंग है, मतलब इंडिया में उसको बोला जाता है 14 ज्योतिर्लिंग, और उसमें से एक ज्योतिर्लिंग झारखंड में है जो कवर कर चुका हूँ। बाकी बात 13 का अभी तक मैंने शकल क्या उसके आसपास भी नहीं मंडराया हूँ। बट अगर आप सभी का दुआ रहा और अगर आप सभी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहा तो एक बार पूरा टूर करूँगा 14 ज्योतिर्लिंग का, और वो स्टार्ट करूँगा अपने बैद्यनाथ धाम झारखंड से, क्योंकि सबसे नियरेस्ट वही है और हम लोग हर सावन में झूमते झूमते बाबा के पास पहुंच ही जाते हैं। ये रहा देखो मंदिर जिस पहाड़ के ऊपर है, वहां से ये पूरा गांव का या पूरा एरिया का व्यू दिखता है। स्वागतम, थैंक यू सो मच फॉर वेलकम मी। सो हम लोग पहुंच चुके हैं वो टेंपल, मैं दिखाता हूँ अभी, ये देखो हमारे पीछे, ये देखो श्री श्री बाबा अमरनाथ शिव मंदिर। भंडार पहाड़ के सीढ़ी का निर्माण कार्य, मतलब जो सीढ़ी बनाया गया है वो केंदुआ बाजार कुल्टी निवासी जहाँ पे मैं रहता हूँ उसी का सेठ श्री कृष्णा कुमार खट्टूवाला एवं उनकी धर्मपत्नी मालती देवी के द्वारा संपन्न हुआ सन 2018 में। मतलब जो ये स्टेयर्स बना हुआ है ना, वो ये स्टेयर्स देख रहे हो जो बना हुआ है, ये 2018 में बना है, ठीक है। और ये पहाड़ जो है इसका नाम है भंडार पहाड़। तो ये देखो ये है एकदम एंट्री और यहाँ से देखो कितना ऊपर है, ये हमारे प्यारे भोले बाबा और यहाँ पे हमारी माता पार्वती जी। चलो पहले आशीर्वाद लेते हैं और फिर चलते हैं ऊपर। जय माँ पार्वती जी, जय शिव शंभु। अब चलते हैं ऊपर और मैं काउंट करके आप सभी को बताता हूँ कि इसमें कितनी सारी स्टेयर्स हैं, ओके। अब चलते हैं और ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभी तक सिर्फ 130 स्टेयर्स चढ़े हैं और अभी इतना बाकी है, देख रहे हो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। और ये नीचे देखो कितना नीचे तक है, नीचे भी इसका नजर नहीं आ रहा है। जय शिव शंभू।
अब चलते हैं और ऊपर 131, 132, 133, 134, 135, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. सो अभी जस्ट पहुंच चुका हूँ, टोटल 285 स्टेयर्स हैं। ये देखो मंदिर, मंदिर में लगा हुआ है ताला। तभी मैं आप सभी को यहाँ का शिवलिंग दिखाता हूँ, उसके बाद ये पूरा एरिया का एक व्यू दिखाता हूँ, और क्या ज़बरदस्त व्यू आएगा यार, देख के ना दिल खुश हो जाएगा। कड़ला सभी, ये मंदिर है, हम लोग इसका पीछे जा रहे हैं और वहाँ पे दिखाते हैं आपको। आपको कुछ दिखाने से पहले एक बस चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो दिख रहा है, अमित प्लस प्रियंका, उसके आगे क्या लिखा है, मैथ्स। वाह क्या बात है यार, अमित प्रियंका मैथ कंप्लीट, असम असम। ऐसा न जाने कितना पेंटिंग्स बना हुआ है यहाँ पे, आपको दिखाऊंगा यहाँ कुछ फेमस पेंटिंग्स जो कुछ नौजवानों द्वारा किया गया है, देख रहे हो। ये मंदिर है, मंदिर को यहाँ पे भी गंदा कर चुका है, आप भी बताना आपने ऐसा किया है कि नहीं, क्योंकि बोला सब देख रहा है, समझ गए। Now look at this. सब हम लोग मंदिर का बैक साइड देख लिया है, अब हम लोग मंदिर में लेफ्ट राइट और फ्रंट देखेंगे। ये देखो मंदिर में, मंदिर का लेफ्ट साइड का व्यू, साला सब जगह यही छाया हुआ है, अमित प्रियंका, यहाँ भी अमित प्रियंका, और पता नहीं कहाँ कहाँ लिख दिया भाई लोग। अभी ये देखो इसका फ्रंट व्यू, ये है फ्रंट में, इधर है मंदिर, अगर मैं यहाँ चढ़ पाता हूँ ना तो पूरा इधर का एरिया मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। सो ऊपर चढ़ चुका हूँ, अब बहुत तेज धूप लग रही है, ये देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से पूरा एरिया। ये देखो ये है फ्रंट व्यू, और क्या जबरदस्त लग रहा है, ये हमारे सूर्य देवता। सो गाइस लुक एट दैट प्लेस, मंदिर, ये रहा पूरा 360 व्यू, पूरा चारों तरफ, मतलब उसका दोनों साइड पहाड़ों से घिरा हुआ है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और देखो एक वीडियो बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, पूरा गंजी, ये अभी भी देखो पसीना गिर रहा है।
अगर हमारा मेहनत आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बोलें सब्सक्राइब कर दो यार, भाई का चैनल है, ठीक है। और अगर भोले बाबा का भक्त हो तब तो कर ही दो, क्योंकि भोले बाबा सबके साथ, ठीक है।